राम राम किसान भाइयों। तो क्या हाल है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप ये मेरे पीछे प्रीज ट्रैक्टर देखने वाले हैं। तो इसके बारे में जानने वाले कि इनको एक कैसा लगा, इसमें अच्छाई क्या लगी, इसमें बुराई है वो क्या लगी, और ये ना और वो क्या बोलते कि उनको ये लेना चाहिए क्या फिर नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। और भाई आप ना मेरे को यहाँ पे तो फॉलो कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई फॉलो कर लो ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, पहले ये वीडियो देख लो फिर उसके बाद आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लेना। तो ये ट्रैक्टर रहने वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीत का रहने वाला है 4549, ये मानविक है, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भाई साहब इनसे मिलेंगे, तो राम राम भाई साहब। राम राम। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया। आपका नाम क्या है, कहाँ से हो? मेरा नाम सुभाष कुहाड़, गांव राजपुरा, जिला हिसार, हरियाणा। ओके, वहाँ से हो आप। तो कुछ बताओ इसके बारे में, कब लिया था, क्यों लिया था? इसको मैं लेके आया था नवंबर 2017 में, और मेरे को अच्छा लगा, ये देखे इसका काम देखा पहले भी तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए लेके आया था इसको। अच्छा जी, तो मतलब कि आपका इससे पहले आपने कौन कौन चलाए हैं ट्रैक्टर, कुछ बताओ? इसे शुरुआत हुई थी मेरी आइसर से, आइसर के मैंने सिंगल सिलेंडर भी, डबल सिलेंडर भी। ओके। सारे भाई हैं, फार्म ट्रक 60 विवाह है, 855 विवाह है, और ये है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे जो मेरा बजट था उसके अनुसार सबसे बढ़िया ट्रैक्टर ये था। अच्छा। और 2 साल चला मैं इसको, दो ये है 2015 मॉडल, मैं इसको 2017 में लेके आया था, उस समय 2 साल चला हुआ ट्रैक्टर कोई भी 5.5-5.5 लाख से नीचे नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे को 3-3.25 लाख रुपए में ही मिल गया था। पहली तो बात थी बजट की, और फिर काम को देखते हुए इस HP कैटेगरी में और इसके बराबर में कोई ट्रैक्टर नहीं है। अच्छा जी, क्या बात है। तो आपके एरिया में बहुत ही कम है ये ट्रैक्टर, है ना, मेरे हिसाब से कि आसपास के आपके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं यार प्री ट्रैक्टर मत ले, इतना लोगों के पास नहीं है, तो इस बारे में आपकी मतलब क्या राय है? नहीं, जैसे शुरुआत में मैंने लेने का इसका प्लान बनाया, उस दौरान एक दो मित्र से सलाह करी, तो उन्होंने ये बजट के अनुसार इसको ही बढ़िया बताया था। बस एक दो की ये आवाज़ आई थी कि इसकी मार्केट कम है, मार्केट उसके हिसाब से, लेकिन मैंने उनको ये बोला भाई मेरे को मार्केट से कुछ नहीं लेना, मेरे को अपने काम से लेना है, जो इसका ये काम करता है उसके अनुसार मेरे लिए ये ही बेस्ट है। अच्छा जी, क्या बात है। तो आप इसको कितना हो गए साल चलाते हुए? 3? इसको 4 साल। 4 साल। तो 4 साल के लाइट के अंदर कोई दिक्कत आई आज तक? इसमें 1% भी इसकी सिर्फ सर्विस से को छोड़ गए, अच्छा, कोई भी मेंटेनेंस इसमें नहीं है। मैंने इसके ऊपर कंप्यूटर गोड़ी भी चलाई है, एक सीजन है वो लगभग 350-400 घंटे, और एक सीजन रिपर का भी लगा है इसके ऊपर। ओके। किसी प्रकार से भी इसमें कोई समस्या 1% भी नहीं आई है। अच्छा। तो भाई साहब जो मान लो कि आपके नियर बाय शोरूम है इसका कोई? अब आया है इसमें नारनौंद में। अच्छा, आ लिया? हाँ आ लिया। अच्छा, पहले 80 था, वो 80 से पता नहीं किन कारणों से उठ गया था वो, लेकिन अब नारनौंद में भी है, बरवाड़ा में भी है। अच्छा, कई जगह है। तो भाई इसकी जो सर्विस कॉस्ट ना वो कितनी आती है, मतलब सर्विस क्या पड़ती है, कितना खर्चा आता है आप सर्विस का? नॉर्मल ट्रैक्टर जो हर ट्रैक्टर में होता है वो 2-2.5 हज़ार रुपये। अच्छा, औरों की तरह है? औरों की तरह है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, अगर है तो कुछ परसेंट कम है औरों से, ज़्यादा नहीं है। कई बोलते यार ये प्री ट्रैक्टर ना काफ़ी कॉस्टली है, मतलब जमींदार भाई के लिए, कि यार बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आपने अपने बहुत बड़ा दाव खेला है अपने हिसाब से, ना कि किसी के पास तो है नहीं ट्रैक्टर, तो मन में कभी डर तो नहीं लगाया कि यार ये इतना? मैं तो मार्केट के अंदर मैं तो इसको लेके बहुत खुश होया हूँ। किसी मेन काम होता है किसान का, खेत में काम करना, उसको ये तो है नहीं हमें नुमाइश में कहीं लगाना है। अच्छा। खेत में काम करने में इसके बराबर, जैसे 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी, इस HP कैटेगरी में मेरा दावा है किसी के साथ किसी भी काम में अपनी शर्त लगा सकता हूं मैं खुल के। 45 HP के अंदर? हाँ, सीधा वो जीरो चैलेंज, चैलेंज है, किसी के साथ भी मैं खुल के शर्त लगा सकता हूं मेरे ट्रैक्टर की। अच्छा। इसके प्रीत की। अच्छा, और कोई वीडियो देख के आ रहा तो कहाँ पे आना पड़ेगा फिर उसको? मान लो कोई बोलते हैं मैं लगाता सर जो चैलेंज है, मेरे गाँव में ही आ गया, जो मैंने एड्रेस बता दिया शुरू में। अच्छा जी, बता दो आपका क्या एड्रेस है? सुभाष कुहाड़, गाँव राजपुरा, तहसील नारनौंद, जिला हिसार, हरियाणा। तो भाई कोई सोचता हो कि यार इसका टक्कर का ट्रैक्टर है आपके पास, तो प्लीज आए इसके पास और लगाए मुकाबला, है ना जी? कैसा ही मुकाबला हो जी। अच्छा,
क्या बात है। तो बैटरी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत हुई आपको आज तक? बैटरी इसकी बाहर है ना जी। अच्छा, कोई दिक्कत आई है? ये जर तो खा गया ना? ये तो इसकी बैटरी छोटी थी। अच्छा। और इसको बड़ा करवा था, बॉक्स तुरंत मिला नहीं, बॉक्स नया बनवा था, इसके ऊपर मैं पेंट नहीं मरवा पाया। सामान तो मिल गया था। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन के करके 3 बजे तक दुकानें खुलती थी, उस दिन लेट हो गया था मैं, बल्कि 3:30-4:30 बजे गए थे। वैसे मिस्त्री नए होने के कारण पेंट नहीं मरवा सका बस। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं, सामान की कोई दिक्कत नहीं इसमें। बैटरी आपने इसकी जो चेंज करवाई थी जब ली थी आपने, उसके बाद में? अच्छा, आपने जिससे लिया ना, तो कस्टमर क्या बता रहा था इसके बारे में? उसने यही बताया था भी बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, लेकिन उसका काम में बड़ा था, उसको 70-75 HP का टैगरी का ट्रैक्टर लेना था, इसलिए उसने इसको सेल कर दिया था। अच्छा, ये कारण था उसका? ये कारण था। अच्छा, तो फिर आपको कैसे मतलब कि वो है कि यार कोई ये ट्रैक्टर बेच रहा है, मैं किसने बताया था मतलब आपको? जैसे मैंने अपना ट्रैक्टर, मेरे पास डबल सिलेंडर था आइसर, जिसको सेंसा मॉडल बोलते हैं। अच्छा। वो सेल कराया था, और उसके बाद जो इसके दलाल होते हैं अपने देसी भाषा में मिस्त्री का लो, उस मिस्त्री ने मेरे को ये बताया था। अच्छा। हाँ। तो आपने अपने जीवन में कितने चला लिए ट्रैक्टर आज तक, और कितने साल हुआ आप चलाते हो, किस उम्र में आपने क्या स्टार्ट चलाना? मेरे को कम से कम भी 25 साल हो गए ट्रैक्टर चलाते हुए, 25 से ऊपर। 25 साल हो गए जी। देखो मेरे खुद के तो जुगरे 3 तो आइसर बदले मैंने, ये है। बाकी आप जिस तरह आपस में मिलके काम करते हैं, उसमें कोई भी ट्रैक्टर नहीं है लगभग जो मार्केट में है, जो नहीं चला, सब चलाए हैं। सब चला लिए जी। तो जो SP में ये है ना, SP में आपने कौन कौन चलाए हैं इसी के टक्कर के? ये फार्म ट्रैक 45 भी चलाया है, और इससे थोड़ी बड़ी HP में 744 है, 855 है। अच्छा। ये भी चलाए हैं, लेकिन इस HP कैटेगरी में कीमत और काम के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मैंने। उनमें और इसमें आपको क्या फ़र्क लगा आपके हिसाब से? सबसे पहला तो फ़र्क है कीमत का। अच्छा। और काम में तो कोई फ़र्क है नहीं, अगर मतलब ये उससे कुछ ज़्यादा करते हों, वो ट्रैक्टर इससे ज़्यादा करते हों। अच्छा। उनसे कम नहीं है किसी भी हाल में। क्या बात है। तो ये वेट तो बढ़िया काम कर रहे हैं इसका ना? हाँ बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी आपने इसकी ना टॉप स्पीड कितनी चलाई आज तक? सबसे तेज मैंने इतना खींच लिया ये, इसके मैंने 2500 RPM तक चला है ये रोड के ऊपर। तो उस टाइम कभी आपने ब्रेक मारे हैं एकदम? हाँ मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है। तेल ब्रेक है, तेल ब्रेक में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। सादा है, पावर स्टीयरिंग है ये? पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग है। तो जब आपने एकदम ब्रेक मारे तो आपको जो ग्रीप है वो कैसी लगी? बहुत बढ़िया। अच्छा। बहुत बढ़िया बिल्ली, ग्रीप बढ़िया इसकी है जी। अच्छा, तो पेंट क्वालिटी तो हल्की सी यहाँ पे फेड सा हो गया ना? नहीं, ये इसका वो होता है प्लास्टिक का होता है इसमें। अच्छा, आपने उतरवा लिया वो? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें जैसे प्लास्टिक गर्म में ठंडा लग के तो खराब, प्लास्टिक तो थोड़ा खराब होगा ही। तो भाई ऐसा कुछ है मतलब पेंट क्वालिटी फिर भी ना मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखो ये यहाँ पे भी थोड़ा जोर से खा गई है ना। ये तो क्या है, जैसे हमारा पानी थोड़ा सा दूसरी टाइप का है, उसमें ट्रैक्टर जंग जल्दी पकड़ा। अच्छा। चाहे कोई भी लोहा है, जंग जल्दी पकड़ेगा उसमें, तो कोई भी ट्रैक्टर लिया उसमें जंग तो जल्दी हमारे यहाँ पकड़ेगा ही पकड़ेगा, पानी की कमी है ये। अच्छा जी। शो खोले देते, इसकी कैसे खुलती है शो? यहाँ से? अच्छा, यहाँ से खुलेगी है जी। अच्छा, शो के अंदर इसके ये शोकर है। ये आई कोई दिक्कत आज तक नहीं? 1% भी नहीं। अच्छा, इसका मेंटेनेंस तो सिरा सिवाय सर्विस के हमने कुछ भी नहीं करवाया है। ओके। और पूरा काम ले लिया है। क्या बात है। तो भाई साहब जो ये एयर क्लीनर भी इसका ड्राई है। अच्छा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई है। क्या बात है। तो जो ये वायर दी गई है शोकेट है इसके, उनके अंदर कोई दिक्कत देखी हुआ आपने आज तक? क्या फिर लगा यार ये इसमें इतना बढ़िया है, क्या चीज़ लगी आपको जो इसमें? हर चीज़ अपनी जगह पे दी गई है, कोई फालतू का ये नहीं है कि भाई ये जगह यहाँ हमें तंग करेगी या ये नहीं। अच्छा। इसकी जगह यहाँ होनी थी, ऐसा कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे दी गई है। ओके। और इसमें और ट्रैक्टरों से अलग आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे हमें धूल मिट्टी का काम करते हैं। ओके, ओके, हाँ। उसमें रेडिएटर में भी कुछ धूल मिट्टी जाओगी, इसमें भी जाएगी। इसके लिए मैंने ये इसके ऊपर स्पेशल लगवा रखा है, ये मारुति 800 का AC का कंप्रेसर है। अच्छा, ये यहाँ से चलेगा, इसके सॉकेट से आगे, फिर आओ इधर आओ। इसका ये एयर टैंक बनवा दिया। अच्छा, इससे फिर जैसे हमने कोई भी काम करना है, अपना चालू कराया और तो भाई ऐसी वीडियो ना आपने आज तक कहीं नहीं देखी। इससे हमें अगर रास्ते में हमें
कहीं भी फसल लेके जा रहे हो, रास्ते में ट्रॉली पंचर होगी, ट्रैक्टर पंचर हो गया, तो इसके ये नोजल बदल गए, उसमें हम हवा भी कर सकते हैं, पंचर वाले को बगल लाके पंचर भी लगवा सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी की राह नहीं देखनी यार, राह नहीं देखनी यार, मतलब किसी का भरोसा नहीं है। हाँ, भरोसा नहीं है। और ऐसा मैंने तो आज तक किसी के पास नहीं देखा जो किया हुआ है ना काम आपने, कोई भाई पैसे बहुत ही कम लोग लगाते हैं, कि आज के टाइम पे पैसे नहीं है जमींदार के पास, है ना। चलो देखो, अपनी सुविधा के लिए आए तो खर्चा तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें मैंने 7-8-10 हज़ार रुपये खर्चा करा है तो सुविधा मेरे को कितनी मिलगी। हम रेडिएटर सफाई के लिए किसी टायर पंचर वाले के पास जाएंगे, वो 100-150 रुपये मांगेगा, नखरे करेगा। इसमें हमने अपना सलब मारी, काम चालू करे आ रहे, जो काम करना 2 मिनट लगो 10 मिनट लगो कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो पावर स्टीयरिंग जो केबल है ना, ये वायर, इसमें कोई दिक्कत आई आज तक? ये 2015 मॉडल 7 की ही है। अच्छा। कुछ भी इसका ये टायर हेड गोली, ये कहीं से भी कोई चेंजमेंट नहीं है। अच्छा। सिर्फ टायर बदलवाए मैंने इसके। काफी बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब छुपा भी अच्छी खासी रखी है, मतलब दिखती नहीं है, मतलब औरों की तरह ना? इसमें ये नहीं है भाई कहीं किसी चीज को लग के खराब होंगी। बहुत अच्छा सिस्टम है सारा। जो पंप दिए गए इनके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है आज तक इसका? मैंने आपको बताया सर्विस से अच्छा सिवाय कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करवाया, बिल्कुल भी नहीं खुला, बिल्कुल भी नहीं खुला कहीं से भी। अच्छा जी, 4.5 लाख का लिया था आपने? नहीं, 3.25 लाख का। 3.25 लाख का जी। अच्छा, तेल कितना पीता है ये? जो नॉर्मल सारे ट्रैक्टर पीते हैं, देखो इसकी हमारे चलाने के ऊपर बात होती है मेन। जैसे हमें 1600-1700 आरपीएम पे चलाएंगे तो बहुत बढ़िया एवरेज देगा। अगर इससे आगे एम आर पी एम बढ़ाएंगे तो किसी ट्रैक्टर के या बाइक ले लो आप, गाड़ी ले लो, किसी के आर पी एम बढ़ा लो, सब ज़्यादा तेल लेंगे। अच्छा, आप इसको कितना पीते तेल, मतलब कितना पीता है तेल आप? ये लगभग लगभग 3 से 3.25 लीटर पर एकड़। अच्छा, औरों से कम है क्या फिर? औरों से नहीं, ये तो वो तो बता दिया आपने, चलाने के ऊपर बात है। 2-4% का फर्क होता है। अच्छा, वो ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं किसी में बता सकते, सभी बराबर हैं जो? लगभग सभी बराबर हैं। अच्छा जी, क्या बात है। तो अगर पिछली तरफ आते हैं तो बैक साइड से अपने सिंदर कौन कौन सी संजबर लगाई हुई है? एक तो ये लगवाया मैंने। अच्छा, इसको डबल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ये था नहीं पहले? नहीं, ये नहीं था। अच्छा, अगर यहाँ पे जूम करेगा, जूम जादी भाई साहब है यहाँ पे जूम कर रहे हैं। हाँ जी, इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर। ये जैसे हम कंप्यूटर गोड़ी लगाते हैं उसके लिए ये जरूरी है। अच्छा, ये मैंने इसको लगवाया था और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब भी लगवाया था उसके बाद आज तक इसमें भी कोई समस्या नहीं आई है। अच्छा जी, तो आपने इसके पीछे कौन कौन सी संजमें लगाई हुई है और किसमें इतना बढ़िया काम करता और इसमें इतना बढ़िया काम नहीं करता आपके हिसाब से? ये तो कह नहीं सकते भाई किसी में बढ़िया काम नहीं करता। अच्छा, सब में बढ़िया काम करता, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको कल्टीवेटर, एरो, अच्छा ट्रॉली, कंप्यूटर गोड़ी और रिपर सब चलाए हैं, किसी में भी 1% भी कोई समस्या नहीं आई है। इनमें से ना आपको क्या लगे इसमें इतना सबसे टॉप क्वालिटी काम करता है? टॉप का सब में ही टॉप करे, सब में ही टॉप, कोई दिक्कत नहीं किसी में। अच्छा, जो और चलाए हैं उनमें इसमें आपको क्या फर्क लगा? जो संजा पे लगा नहीं, कोई फर्क नहीं लगाया जाता, सब बराबर ही है। बराबर है। अच्छा, कुछ तो अपने चलाने के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन चलाने वाला सही है तो सबको सही चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपको सभी बराबर लगे जी। और जो ये लिफ्ट दी गई हैं आपके हिसाब से कितना काम करती हैं, या फिर इनमें इंप्रूवमेंट करने की कोई नीड है कंपनी को? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करें। ओके, जो अपन काम लेना है उसके अनुसार ये सही काम करें, कोई दिक्कत नहीं आई है। इंप्रूवमेंट करने की कोई जी नीड नहीं अपने को? पीछे ये लाइट कंपनी वाले क्या आपने बदलवाई थी? नहीं, ये मैंने बदलवाई है। अच्छा, चली नहीं इतनी बढ़िया? नहीं, वो खराब हो गई थी। जिस तरह ये तो होता है आर्टिफिशियल सौदा, इसमें ये है क्या पता 2 साल चल जाए या किसी चीज़ का लग गया इसके ऊपर कोई धक्का लग गया, ये फूट गया, ये भी फूट गया, तो इसका करेंगे क्या? ये तो बदलवाने पड़ेगी। क्या बात है, ये तो बदलवाने वाली चीज़ें हैं, इनमें बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, फिर ट्रैक्टर है भाई ये कुछ ऐसा है। एक बार कैबिन के बारे में बात करते हैं भाई साहब आज। तो जो कैबिन है इसका, इसके अंदर आपको बैठने में, रेस लगाने में, स्पेस के मामले में क्या कोई दिक्कत नहीं? इतना अच्छा लगा रेस में, पीटीओ के अंदर हो, ब्रेक के अंदर हो, जो कम्फर्टेबल लेवल इसका, आपको कैसा लगा? क्या फिर यहाँ पे जाने और आने में आपको कोई दिक्कत होती है? कोई चढ़ने में दिक्कत नहीं है। देखो आप, ये वो है, इसमें सिर्फ कमी एक है, तो जैसे हमें फुटरेस्ट लगा लेते हैं यहाँ, हाँ जी, इसमें कमी है तो वो है, फुटरेस्ट नहीं लग रहे इसमें। ओके, और लगवाने में सही कम्फर्ट भी, या तो यहाँ से लगे वो, जैसे हर ट्रक फार्म ट्रक 60 के हो गया, स्वराज के हो गया, उनमें ये लग जाते हैं, इसमें वो स्पेस नहीं है, ये तो मैं कमी मानता हूँ। अच्छा जी, एक मैंने क्या देखी है, थोड़ा साइज में थोड़ा स्मॉल है ना,
और वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसे चढ़ना होता है, देखो पैंट, कोई दिक्कत नहीं। कोई हट्टा कट्टा बंदा हो? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप खुद भी चढ़ के देख सकते हैं इसके ऊपर। ओके, ऐसा कुछ है, स्पेस तो काफी आप बोल रहे, अच्छा है। हाँ। और आपने ना कितने घंटे चला लिया, मतलब ये नॉन स्टॉप, अगर उसके बारे में बात करें आपसे, मतलब बिना रुके? यार मैंने इतना चला लिया ट्रैक्टर बिना रुके, जैसे रिपर में चलाते थे 24 घंटे, तो कई बार मौका लग गया है। कंप्यूटर गोड़ी में चलाते थे, उसमें भी लग गया है। 24 घंटे कंटिन्यू? बिल्कुल पक्की बात है, बस 24 घंटे बिना रुके ट्रैक्टर। कभी गर्म हुआ फिर उसमें? नहीं 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 नहीं, अच्छा कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, गर्म बिल्कुल भी ना? बिल्कुल भी नहीं। तो 24 घंटे देखो, जो काम है उसके अनुसार टेम्परेचर हर साधन, कोई भी साधन वो लेगा। गर्म होना बोलते हैं ओवरहीट को, ओवरहीट कभी भी नहीं हुआ। 24 घंटे बड़ी बात है जी। तो इस बीच में ना आपने इसमें क्या फील किया यार, 24 घंटे मैंने चलाया ट्रैक्टर, किसी प्रकार की भी कोई असुविधा नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा सारा चीज। जो और ट्रैक्टर है इसके मुकाबले, आपने वो कितने घंटे चला लिए लगभग, और उसमें और आपने ना इसमें क्या फर्क लगा? जिस तरह ये कंप्यूटर गोड़ी और रिपर तो इसमें ही चलाए हैं, अच्छा उनमें वो नहीं चलाए, लेकिन वो बाई में वो भी चलाए हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जो 24 घंटे नहीं बीच में रोक पाए, तो बहुत बढ़िया चले सारे। अच्छा, तो मान लो कि आज अगर आप ये ट्रैक्टर लेते हो जी, तो कंपनी को क्या बोलते हैं यार इसमें सामान ठीक कर दो, ताकि आपका ट्रैक्टर और भी बिके आपके हिसाब से? सिर्फ इसकी एक लंबाई बढ़ाने की। सर लंबाई छोटी है क्या? लंबाई इसकी और ट्रैक्टर से 5 से 10 इंच थोड़ी कम है। कम है जी, सिर्फ वो लंबाई बढ़ाने, क्योंकि जैसे हम लोड की ट्राली में इसको लेके चलेंगे, कम लंबाई होने की वजह से आगे से उठेगा। अच्छा, या तो इसके आगे जो ये बम्पर है इसको 75-80 किलो का या अच्छा वजन का लगवाओ, या इसकी लंबाई बढ़वाओ। अच्छा जी, तो और कोई भी कमी इस ट्रैक्टर में नहीं है। आप ना आगे ना कौन सा लोगे, आपका फ्यूचर ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? यार मैं ना इसके बाद वो लेऊंगा। और वो क्यों लोगे, क्या कारण से लोगे? मैं तो इसको ही नहीं बदलूंगा। अच्छा हाँ, इसके बाद कोई प्लान नहीं है यार मैं आगे ये वाला लेऊं? नहीं, मैं तो इसको ही रखूंगा, कोई अगर बदलना भी पड़ गया तो यही लेके आऊंगा। प्रीत का ही जी? अच्छा, और औरों को बोलते हो कि उनको अगर सेकंड हैंड में अगर मिल रहा है आज के टाइम पे, क्या फिर नया मिल रहा है, उनको ये लेना चाहिए आपके? इसी को देख के मेरे परिवार में एक और आया है। अच्छा, ये 45-49 है, वो 35-49 है। अच्छा, ये जी है, तो बोल रही भाई औरों को ये लेना चाहिए? लेना चाहिए बिल्कुल। क्या बात है, धन्यवाद भाई साहब ने टाइम दिया हमें। ओके, धन्यवाद आपका भी। स्वागत भाई, कुछ ऐसी थी आज की वीडियो जो कि आपने भी देखी, बताना कि आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। और भाई आप मिलेंगे आप तक अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे, ठीक है।